Hello everyone, I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great. This is an introductory video of biological diversity chapter of class 9. So, biological diversity क्या है? Bio means living organism. And अगर हम diversity को देखें, तो आपने कुछ सुना होगा इंडिया के बारे में कि इंडिया is a culturally diverse country. तो कल्चरली डाइवर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर रीति रिवाज बहुत सारे हैं, रिलीजन यहाँ पे बहुत सारे हैं, डिफरेंट टाइप के यहाँ पर लोग जो है पाए जाते हैं. तो यानी कि एक कंट्री है लेकिन यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन पाए जाते हैं, कस्टम पाए जाते हैं एंड फूड जो है वो पाया जाता है, यानी काफी ज्यादा डाइवर्स है. लेकिन जब हम ये कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्स, तो वहां पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करने लग रहे हैं. अगर आप हमारी अर्थ को देखें, तो अर्थ के ऊपर क्या एक ही टाइप के इंडिविजुअल पाए जाते हैं? क्या केवल एक ही टाइप का पाया जाता है? नहीं, ऐसा ही पाया जाता है, ऐसा ही पाया जाता है, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा, 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 ऐसा. हमारी अर्थ के अंदर इतने सारे इंडिविजुअल पाए जाते हैं, और जो ये इतने सारे इंडिविजुअल जो पाए जाते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो लैंड पे मिलते हैं, वो एयर के अंदर ही पाए जाते हैं, वो जो है वाटर के अंदर ही पाए जाते हैं, एंड कुछ लैंड के ऊपर ही पाए जाते हैं, एंड वो पानी के अंदर भी पाए जाते हैं, ऐसे भी इंडिविजुअल है पाए जाते हैं. यानी हमारी अगर अर्थ को देखें तो एक टाइप के इंडिविजुअल नहीं है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल है. क्या कोई थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा नहीं लगता कि इतने सारे अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल हमारी अर्थ के ऊपर है? तो अगर आपको ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, तो इट इज इसेंशियल कि हम इनके बारे में थोड़ा सा और जाने. एंड अगर हम इनके बारे में जानेंगे, तो अगर हम स्पीशीज का एक एस्टिमेट लगाए कि हमारी अर्थ के ऊपर कितनी स्पीशीज जो है अभी तक जो है हमें देखी गई है, तो ये अराउंड 1.8 मिलियन स्पीशीज है. मिलियन, अब मिलियन का मतलब 10^6. इतनी सारी स्पीशीज क्या आपने अभी तक देखी है? नहीं देखी होगी, है ना? तो अगर आप अपने इसी लाइफ स्पैन के अंदर अगर इन सभी स्पीशीज को देखना समझना चाहते हैं, तो आप नॉर्मली ट्रेडिशनल तरीके से जो है इसको नहीं जान पाओगे. तो वी रिक्वायर ए सिस्टम जिसको हम टैक्सोनॉमी जो है कहते हैं. टैक्सो नाम कैसा लग रहा है? टैक्सोनॉमी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है. तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि वो सिस्टम जो है किस तरीके से जो है डिराव हुआ है एंड किस तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है स्टडी करते हैं. बट अगर आप देखें, इसी सिस्टम के बेस पर हमने डिफरेंट कैटेगरी जो है वो बनाई है. जैसे किसी को कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल, अपने पढ़ा है जो कि बैक्टीरिया है, हमने उसको एक किंगडम के अंदर डाल रखा है, किंगडम मोनेरा. कोई जो है न्यूक्लियर वाले हैं जिसको हम जो है यूकैरियोट जो है वो कह देते हैं, ठीक है, यानी जिसके पास न्यूक्लियस है उसके पास जो है ऑर्गेनेल जो है वो प्रेजेंट है. कुछ ऐसे इंडिविजुअल भी हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, ठीक है. लेकिन प्लांट क्या केवल एक ही टाइप का है? नहीं, प्लांट ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, प्लांट ऐसा भी होता है. यानी प्लांट तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं. अब हर प्लांट अगर अलग अलग है, तो इनको किस तरीके से हम क्लासिफाई करें, किस तरीके से हम स्टडी करें? तो वी हैव टू नो कि कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो इनके ऊपर लगता है, जिसकी वजह से हम ये एनालाइज कर पाए कि एक्चुअल में ये सारी जो इंडिविजुअल है वो अलग अलग है. बट वी आर गोइंग टू स्टडी इट वेरी वेल. आपको एनिमल्स के बारे में पता है? क्या एनिमल्स एक ही टाइप के हैं? अच्छा, मैं आपको एनिमल किंगडम के अंदर दिखाता हूं. ये भी एक एनिमल है, ये भी एक एनिमल है, ये भी एक एनिमल है, ये भी बर्ड भी एक एनिमल होता है, ठीक है, क्योंकि ये हम इसको किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो है वो लाते हैं. सिमिलरली अगर मेमल्स देखें, तो मेमल्स इतने सारे टाइप के होते हैं. अगर हम डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखें, तो ये भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं. अब इतने सारे अगर हम एनिमल्स को देखें, तो हम इनको स्टडी कैसे करते हैं और हमने क्लासिफाई इनको किस बेस पे किया है? जिस तरीके से आपके स्कूल के अंदर अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग उसके सेक्शन हैं, अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो बटे हुए हैं, सेम हम ऐसा ही कुछ सिस्टम जो है यहाँ पर जो है वो फॉलो करते हैं. एंड हम इसके बारे में काफी सारी जो है डोर डिटेल पढ़ेंगे. एंड आई एम होपिंग हाउएवर चैप्टर जो है थोड़ा सा लेंथी है, बट देयर आर समथिंग इंटरेस्टिंग इन दिस चैप्टर बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज सम ट्रिक्स जो आप काफी पसंद करेंगे. एंड मैं चाहूंगा कि आप इनको डे टू डे लाइफ के अंदर भी यूज करते रहें, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर नाउ. आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो पसंद आएगा.